नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल के आमला में मानवता की मिसाल बना जीआरपी स्टाफ, बीमार बच्चे का इलाज कराकर किया विदा। मानवता की मिसाल आज उस वक्त देखने को मिली जब अचानक जीआरपी स्टाफ को सूचना मिली कि किसी ने ट्रेन क्रमांक 02626 केरला एक्सप्रेस अचानक चेन पुलिंग होकर स्टेशन पर खड़ी हो गई है। तब ड्यूटी पर तैनात आरक्षक 333 महेश इवनाती, आरक्षक 468 रामशंकर, महिला आरक्षक 150 तृप्ति ठाकुर ने जाकर देखा तो एक बच्चा अत्याधिक बीमार पाया गया। तत्काल उच्च अधिकारी को सूचना देकर शासकीय चिकित्सालय आमला लेकर गए, जहां डॉक्टर एन के रोहित ने बच्चे का प्राथमिक उपचार किया। जीआरपी आमला स्टाफ ने बच्चे को पूरी तरह स्वस्थ पाया, तब जाकर सुकून की सांस ली। इतना ही नहीं, तत्काल दूसरी ट्रेन रुकवाकर बच्चे के परिवार सहित रवाना किया। इस घटना को देखकर स्टेशन पर मौजूद लोगों ने कहा कि ये ही सच्ची और निस्वार्थ सेवा को जय हिंद। आमला संवाददाता दीपक बर्थे की रिपोर्ट। सर नमस्कार, आपका नाम सर? मैं प्रमोद पाटिल, थाना प्रभारी जीआरपी आमला। क्या हुआ था ट्रेन में? एक यात्री बहादुर सिंह नाम का मथुरा से यात्रा कर रहा था अपनी पत्नी के साथ। उनके साथ में एक 1.5 साल की बच्ची भी थी, जिसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसको हमने संज्ञान में लिया और छोटी बच्ची होने के नाते उसकी स्वास्थ्य के संबंध में कोई विशेष इलाज हेतु यहाँ पर उतार लिया गया और रेलवे के कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से हम जिला चिकित्सालय आमला ले गए, जहाँ उसको उपचार किया गया। बच्ची स्वस्थ हो गई और दूसरी ट्रेन से वापस चली गई अपने। इंडिया न्यूज 28 से बात करने के लिए आपका बहुत